हम और आप क्रिकेट के दीवाने हैं, लेकिन आपने कभी क्या ये सोचे हैं क्रिकेट ग्राउंड में जो बाउंड्री होते हैं वो हर एक स्टेडियम के लिए अलग अलग क्यों है? यानी लेग साइड में अगर कोई स्टेडियम पे 70 यार्ड्स है तो कोई स्टेडियम पे आप देख सकते हैं वो 65 यार्ड्स या फिर 80 यार्ड्स है। इसके पीछे रीजन क्या है? ICC क्या इसे अप्रूव करते हैं या ICC कहते हैं कि हर एक स्टेडियम में अलग अलग सा बाउंड्री होगा? इनके पीछे का सीक्रेट क्या है? ये सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ स्पोर्ट्स टाइम हिंदी पे ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। ICC के रूल या फिर MCC के रूल बुक में क्या है हम वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कई जगह पर बाउंड्री लाइन बना और कभी जगह पर छोटा क्यों रखा जाता है। इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर बांग्लादेश में क्रिकेट का जो बाउंड्री लाइन है ज्यादातर स्टेडियम में वो छोटे ही होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड में बाउंड्री का जो साइज होता है वो बड़े ही होते हैं। असल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड कुकाबुरा और ड्यूक बॉल यूज करते हैं, और वहाँ का जो पिच का सर्फेस होता है वो फास्ट बॉलिंग का सहायक है, जहाँ पर बाउंस पिच भी होते हैं। तो इसके लिए बाउंस बॉल में बहुत ज्यादा बाई होता है अगर बाउंड्री शॉर्ट होता है तो, या फिर पेस बॉल को लग के एक फ्लिक मारने से ही बाउंड्री के पार चले जाते हैं। और पेस बॉल में छक्का मारना या चौका मारना पुल करने से भी हो जाता है या उसमें ज्यादा ताकत भी नहीं लगता है। हाँ, अगर लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन में अगर छक्का मारने जाएंगे तो आपको ताकत लगेगा, लेकिन स्पिन पिच में क्या होता है या स्पिन बॉल में क्या होता है, आपको ताकत के साथ बॉल को खेलना होता है। तो इसीलिए न्यूजीलैंड वाले या फिर इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्री का साइज बड़ा रखा गया है, और इंडिया या बांग्लादेश जैसा कंट्री में जहाँ पर स्पिन बॉलिंग को फर्स्ट प्लेस दिया जाता है और पिच भी ऐसे ही होता है तो यहाँ के लिए ग्राउंड छोटा रखा गया है। तो इसमें होता क्या है, अगर ग्राउंड बड़ा होता है तो वहाँ पर छक्का या चौका मारना भी मुश्किल भरा काम हो जाता है, क्योंकि हर समय तो पेस बॉल पे फ्लिक या फिर पुल से छक्का नहीं मार सकते आप, या फिर लेंथ भी डिफरेंट रहता है बॉलिंग में, तो स्कोर भी वहाँ पर कम ही होता है। और आज जमाना है स्कोर का, जितना ज्यादा रन उतना ज्यादा एंटरटेनमेंट। तो कोई मनमानी से क्या ऐसा करते हैं? जी नहीं, ICC का भी रूल है, MCC का जो रूल बुक है वहाँ पर भी लिखा हुआ है। जो स्क्वायर में बाउंड्री होता है यानी ऑन साइड से लेकर ऑफ साइड तक, वहाँ का डिस्टेंस मिनिमम 140 यार्ड्स होना चाहिए यानी 140 गज, और पिच के एक साइड से लेकर ऑन साइड का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम 60 यार्ड्स होना चाहिए, और ये ICC का नियम है। और स्ट्रेट में जो बाउंड्री है वो पिच खत्म होने के बाद से लेकर 60 यार्ड्स होना अनिवार्य है, ये लोअर लिमिट है। और इनका अपर लिमिट भी है 90 यार्ड्स, किसी भी साइड पे मैक्सिमम 90 यार्ड्स आप रख सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफाई नहीं कर दिया गया है कि इतना ही लगेगा, इस साइड पे इतना, उस साइड पे इतना। ऐसा भी होता है कि सेंट लॉरेंस ग्राउंड जो कि इंग्लैंड में स्थित है, वहाँ पे ग्राउंड में एक लाइम ट्री था। ICC ने कहा कि लाइम ट्री को कटने का कोई जरूरत नहीं है, लाइम ट्री को ग्राउंड पे अंदर लेके आओ और बाहर एरिया से बाउंड्री लगा दो। कुछ बार ऐसे भी हुआ है पेड़ के सामने से यानी पेड़ के अंदर से भी बाउंड्री लिया गया और मैच खेला गया। और बाउंड्री के बाद से लेकर जो एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग होता है या फिर अंत होता है उनमें मिनिमम 3 यार्ड्स का डिस्टेंस रहना अनिवार्य है। तो ICC अभी क्यों नहीं फिक्स कर रहा है कोई डिस्टेंस, क्योंकि अभी अगर डिस्टेंस किया जाए तो छोटे मोटे जो स्टेडियम होंगे यानी छोटे ग्राउंड वाले, उन सब स्टेडियम को रीबिल्ड या फिर रिस्ट्रक्चराइज करना होगा, यह बहुत बड़ी एक खर्चे वाला काम होगा क्योंकि बहुत सारे स्टेडियम में ये सब करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्रिकेट या स्पोर्ट्स के बारे में और क्या जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों के कमेंट का।